गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये फाउंडेशन का है, लेकिन कुछ जरूरी बात अच्छी तरह से समझें। ये 8 से 10 और 2 से 4 दोनों ही बैच के लिए सेम रहेगा। फर्क इतना ही है, जो 2 से 4 में 2 क्लास हो गया है, वे 2 क्लास के बाद 2 से 4 और 8 से 10 सेम रहेगा। अभी जो है यों समझें, जो 8 से 10 वाले बैच को ही हम ये दे रहे हैं। फिजिकल में 2 से 4 अभी 2 क्लास इंतजार करना है, उसके बाद जो है वे दोनों में सेम होगा। आप देखेंगे जो वहाँ 2 से 4 में हम मोलालिटी तक क्लास ले लिए हैं, तो मोलालिटी के बाद दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। ये सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब होता है 1 phase। होमोजीनियस कहा जाए, होमोजीनियस मीन्स 1 phase, एक फेज हो जाना, एक जैसा हो जाना। यदि हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी लिक्विड और चीनी सॉलिड, कुछ देर के बाद दोनों एक जैसा हो जाता है, तो ये हम कहेंगे जो ये 1 phase हो गया। तो यदि हम लोग सॉल्यूशन बात करें तो सॉल्यूशन 2 पार्ट के मिलने से बना हुआ है। एक को कहा गया है सॉल्यूट और दूसरे को कहा गया है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा जो होगा वे इन अ स्मॉल अमाउंट, और ये सॉल्वेंट जो होगा भी हमेशा इन लार्ज अमाउंट। तो इस तरह से सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट एक से अधिक भी हो सकता है। ए सॉल्यूशन मे कंटेन मोर देन 1 सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट भी हो सकता है। तो फर्दर हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के आधार पे। सॉल्यूशन को 2 भाग में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक को कह दिया जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, एक को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कितना कंपोनेंट हो? 2। और दूसरे को कह दिया जाएगा पॉलीनरी सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 से अधिक कंपोनेंट हो। एग्जांपल, यदि H2O में NaCl डाल दें तो ये बाइनरी का एग्जांपल हो गया, और यदि H2O में NaCl हो प्लस शुगर आ जाए तो ये पॉलीनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो सॉल्यूशन बाइनरी
और पोलिनरी। पोलिनरी में हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं टर्नरी है यानी थ्री कंपोनेंट है, यदि फोर कंपोनेंट होगा तो टेट्रानरी कह देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और आप लोग बार बार सुनेंगे ताकि समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तो हम एक ही बार बोल रहे हैं। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगेन फर्दर सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट के आधार पे। एक को कहा गया एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे को कह दिया गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तब कहेंगे जब सॉल्वेंट वाटर हो, इफ सॉल्वेंट इज H2O, तो उस सभी सॉल्यूशन को एक्वस कह देंगे। यदि हमसे कहा जाए एक्वस सॉल्यूशन है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा जो सॉल्वेंट वाटर है, न कुछ भी कहा जाए तब पर भी हम लोग समझेंगे सॉल्वेंट वाटर ही है। इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, और यदि H2O के अलावा सॉल्वेंट हो तो उसको हम लोग कह देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल CCl4, C6H6, CH2, ये सब का सब नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो अब बात करें जो कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन कह दें या इसी को हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ, दोनों बात क्या है, सेम है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कहा गया, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बना सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यदि कहा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या अगेन कह दें जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो पता चल जाएगा उसी को कह दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ सॉल्यूट क्वांटिटी, इतना स्पष्ट हो गया। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो कंपोनेंट होगा, एक का नाम सॉल्यूट और दूसरे का नाम सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होगा।
तो ये जो सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है, ये जो हम मेजर्ड करेंगे, इस मेजर्ड का सबसे पहला टर्म है परसेंटेज। जिस तरह से हम लोग अपने फैमिली में जब खड़ा होते हैं, तो एक व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का अंकल है, बोलने का तरीका अलग अलग माना गया है। उसी तरह से परसेंटेज के टर्म में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मास परसेंटेज, या यूं कहिए जो परसेंटेज W बाय W और परसेंटेज बाय मास। इट रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहा जाए मास परसेंटेज, तो ये क्या बताता है, जो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी बात को फार्मूला से बात करेंगे तो परसेंटेज बाय मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इट इज यूनिट यस, इसका कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज बाय मास यूनिटलेस है। क्यों? क्योंकि ये तो सेम टर्म का रेशियो है, और जब सेम टर्म का रेशियो हो तो ये यूनिटलेस होता है। सबसे खास बात है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वैसा कोई भी टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व ना हो, वे सब का सब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो आप लोग नीचे नोट करेंगे, मेरे पास स्पेस यहाँ है, हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। जो इसका एग्जांपल हमसे कहा जाए 20% W by W NaOH solution, इतना लिखा हुआ रहे 20% W by W NaOH। तो यहां हम लोगों को समझना होगा जो वेट ऑफ NaOH, यानी जो कि सॉल्यूट है, वे कितना ग्राम, 20 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला जा सकता है। यदि सॉल्वेंट कहेंगे तो 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम, क्योंकि हम देख लिए हैं जो सॉल्यूशन दो पार्ट के मिलने से बना हुआ होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट के मिलने से। तो इस तरह से हम लोग ये यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये तो है 11th पार्ट का भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन टॉपिक 12th में पढ़ना है, इसलिए 12th का तैयारी यहीं से होना चाहिए। यानी ये एज इट इज आपको पूछ दिया जाएगा 12th में, जो व्हाट इज परसेंटेज बाय मास, तो इतना हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। दूसरा टर्म परसेंटेज W बाय V। तो परसेंटेज, ये W का मतलब वेट और V का मतलब वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W बाय V कहा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन ml में ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट ग्राम पर लीटर, क्योंकि मास का यूनिट होता है ग्राम और वॉल्यूम का होता है ml लीटर। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वैसा कोई भी टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, वे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 20% W by V NaOH solution, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो इट मीन्स वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम। मतलब जो भी यहाँ सबस्टांस दिया गया होगा, वे समझ लेना है हम लोगों को ग्राम में, और इट मीन्स वेट ऑफ NaOH इक्वल टू 20 ग्राम,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि कहा जाए तो 100 ml। अब इस बार हम डायरेक्ट सॉल्वेंटी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ml में है और ये ग्राम में है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम लोगों से कह दिया जाए 50% WbV CaCO3 सॉल्यूशन, ऐसा यदि लिख दिया जाए तो हम क्या क्या समझ लेंगे इसको। वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू 15 ग्राम, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या कहेंगे, 100 ml। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जो है ये WbV यदि कहा जाए 12th में तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। थर्ड टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज V/V। इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बताता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज V/V यदि कहा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इट इज यूनिटलेस। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है क्योंकि सेम टर्म का रेशियो है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। 20% V/VNaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम समझ लेंगे। इट मीन्स 20 ml ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम क्या कहेंगे, जो इट मीन्स 20 ml ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में तो हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यदि कहा जाए तो 100 - 20 यानी कितना ml, 80 ml कहेंगे। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इस सवाल को जब भी आप लोगों को सवाल दें तो सबसे पहले सवाल को आप लोग नोट करेंगे, और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद पहले आपने ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, यानी जस्ट लाइक समझें जो हम क्लास में बैठे हुए हैं। आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगावें, जब तक आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तब तक ऑनलाइन से बेनिफिट नहीं होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही रिस्ट्रिक्शन है। जो ऑफलाइन में आपके पास से सॉल्यूशन एट्रेंडम नहीं रहता है, आपको कुछ ना कुछ जो है सो मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बना बनाया मिल रहा है। यही कारण है जो उतना बेनिफिट हम लोगों को नहीं हो पाता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, ट्राई करें अपने से, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें। कहा जा रहा है 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना ग्राम पर ml। तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है कितना, तो 200 ml। कंटेन 25 ग्राम NaOH और वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया 4 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये 1.2 ग्राम पर ml। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब हम समझ गए हैं, परसेंटेज W/V और दूसरा परसेंटेज W/W या WW परसेंटेज, दोनों बात सेम होता है। तो हमको परसेंटेज W/V फाइंड करना है, तो हम जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
ये बात हम लोग जान रहे हैं, जो परसेंटेज W बाय V का मतलब ये होता है। जब होता है ये, तो ये देख लीजिए, परसेंटेज मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कहीं पे, तो है लिखा हुआ कितना 24, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो स्पष्ट है जो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 200 दे दीजिए, ठीक। आई इंटू 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना हो गया 12। अब 12 आप क्या बोल सकते हैं, तो 12% W by V, 12% W by V, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, उसी तरह से अब थोड़ा सा आपको नॉलेज आ गया होगा, जिसमें देख लीजिए जो कैसे बनेगा। तो परसेंटेज परसेंटेज W by W यदि कहा जाए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन कहेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट तो हम लोगों को स्पष्ट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो यही रहेगा 24 ही रहेगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि मिल जाए, तो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिला हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालेंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम हो गया 200 ml, है ना, 200 ml, तो ये ml ml कट गया, यानी 12 यानी 240 आ जाएगा सॉल्यूशन करके। अब 240 ये वेट ऑफ सॉल्यूशन रख दीजिए, 100 ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो गया 10% W by W, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये जो अभी समझे परसेंटेज टर्म, उसको क्लियर कर लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगेन, कहा जा रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml इज 20% W by W, एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ इन W by V परसेंट, ठीक है। तो वीडियो को पहले पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, कर रहे हैं, उसके बाद अब ये सॉल्यूशन देखिए क्या क्या कहा गया। डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml और 20% W by W ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है, तो हम कहेंगे जो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 20 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। हमको निकालना है परसेंटेज W by V, तो हमको क्या चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये दो टर्म हमको चाहिए। और वेट ऑफ सॉल्यूट हमको स्पष्ट मिल गया, यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए, यदि हम लोग डेंसिटी का बात करें, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.25 ग्राम पर ml। यदि हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के बाद 80 ml आ जाएगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 80 ml। अब देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो अब कहेंगे परसेंटेज W by V इक्वल टू
कितना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, तो 20, और वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 80 × 100, ये कैंसिल, फिर 4 times, 5 times, यानी 25% W/W हो जाएगा, क्लियर है, सॉरी 25% W/V हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो सवाल है ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन ये सवाल आप लोग ट्राई कीजिए। पहले कहा जा रहा है इन व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट 25 ग्राम ऑफ CSO4 × 5H2O बी डिसॉल्व टू ऑब्टेन एन 8% सॉल्यूशन ऑफ CSO4। तो पहले अपने से ट्राई कीजिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सवाल फिर हम जब ऑफलाइन में बात करेंगे उस समय आपको समझाएंगे। ये सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, क्योंकि बना देते हैं तो आप देख लेंगे। हाँ, स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को, जिन लोगों को ऐप से पढ़ने का मन हो वे डायरेक्ट जो है सो कॉल करेंगे, आपको मैं ऐप पे जोड़ दूंगा, ठीक है।